नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के 55वें जन्मदिन पर आज निजी मैरिज गार्डन पर निःशुल्क आंखों और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। वहीं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं उद्योग मंत्री ने रक्तदान करने वाले युवाओं की हौसला अफजाई की गई। वहीं प्रसिद्ध डॉक्टरों की टीम ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर में आमजन को निःशुल्क चिकित्सा और परामर्श दिया गया। वहीं अपने जन्मदिन के अवसर पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत बांसुर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं और सर्व समाज के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और उद्योग मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जन्मदिन है। अंग्रेजों के जाने के बाद देश किस कगार पर खड़ा था, देश को विकास के पथ पर लाने का काम स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। देश को सभी क्षेत्रों में अग्रिम स्थान पर लाने का काम किया। वहीं उन्होंने अपने जन्मदिन पर अपील करते हुए कहा कि शुभ कार्य के लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ता है, लेकिन घटना और दुर्घटना का कोई पता नहीं रहता। इसलिए सभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चलाई जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े। वहीं उन्होंने रक्तदान शिविर में रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आपका खून किसी की जान बचा जा सकता है, सबसे बड़ा दान रक्तदान है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता, सर्व समाज के लोग व बांसुर विधानसभा के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जवाहरलाल नेहरू जी का भी जन्म और उनकी जो योजनाएं इस धरा और धरती की, जब तक ये धरा और धरती रहेंगी तब तक ये योजनाएं कायम रहेंगी, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो। भारत देश को विकास के पथ पे लाने का काम किया तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। और आज जन्मदिन की उसमें मैंने सोचा, क्योंकि कई बार मांग आती रहती है बुजुर्गों की कि हमारी आँख बनवाओ, हमारी आँख बनवाओ, मैं दिखाई कम देता है, और फलाने डॉक्टर से वीरेंद्र यादव से ही बनवाओ। तो मैंने कहा ठीक है, चलो उन्हीं डॉक्टर का कैंप लगवा देते हैं, क्योंकि बुजुर्गों की इच्छा होती है वो फला डॉक्टर के वो बुजुर्ग बनवा के आइए तो मैं भी उसी की आँख बनवाऊँगी। तो वो डॉक्टर साहब का कैंप यहाँ लगाया है, वो सबकी आँखें फ्री में वहाँ पर हॉस्पिटल बनाएंगे। आज रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और दूसरा महात्मा गांधी अस्पताल से भी पारी डॉक्टर आए हैं और भी अन्य डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पर आई है। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भी जो निशुल्क जो ट्रीटमेंट होना है सभी मेडिशियन के लिए, सभी का यहाँ पर जांच करके पर्ची बना दी गई है। जिसको भी जो जिस जैसे चाहे कोई स्किन का है, चाहे पेट का है, चाहे हार्ट का है, जो भी किडनी का है, जो अलग अलग पेशेंट हैं उनकी अलग अलग तरह की पर्चियाँ बना दी गई हैं, जिससे कि उन्हें भी वहाँ पर ट्रीटमेंट आसानी से मिल सके, चाहे गौशाला में हो, चाहे कंबल बांटने का हो। अलग अलग सभी ने अलग अलग तरह के आयोजन किए हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि रक्तदान सबसे महादान है और ब्लड डोनेशन एक बहुत बड़ा काम है। उसमें संख्या नहीं देगी कितना आया कितना नहीं आया, लेकिन आए दिन आप देखते हैं कि सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक सबसे महान काम है